नमस्कार साथियों, क्या आपको लगता है कि आप घर बैठे हैं, आप कभी कब आपको लगता है कि हमें पासपोर्ट बनवाना है, आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका पासपोर्ट तो बन चुका है। ऐसा कभी हुआ है? मुझे नहीं लगता। ये पहला केस देखने में आया है कि जो बंदा है पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करने के लिए जाता है पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो उसको ये बोल दिया जाता है कि आपका पासपोर्ट बन गया, पहले से बना हुआ है, ये रिकॉर्ड देखो। जी हाँ, बता दूं, एक बंदे के साथ ऐसी घटना हो गई, उसके नाम से फर्जी पासपोर्ट बना लिया किसी ने। यार ये छोटी बात नहीं है भाई पासपोर्ट बनवाना, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें पुलिस का वेरिफिकेशन होता है, उसका दो गवाह लगते हैं साथ में, तब जाके वो पासपोर्ट बनता है, इससे पासपोर्ट नहीं बनता। सोचने की बात है, आवेदन जो बंदा था उसने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रिकॉर्ड की जांच की तो मैटर का ओपन हुआ कि मामला क्या है। मामला कहाँ गया भाई? जालंधर, पंजाब, वहीं का सबसे ज्यादा है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पीआरओ में एक आरपीओ में एक अनोखा मामला सामने आया। सच्चाई की बात यह कि हाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ। वहां के बस्ती शेख के उत्तम नगर का रहने वाले एक बंदे ने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। जी हाँ, पासपोर्ट ऑफिस ने कहा कि उनका पासपोर्ट तो पहले ही बन चुका है। आप सोचने की बात है, खुलासा हुआ कि किसी व्यक्ति ने उसके जो दस्तावेज थे, जो डॉक्यूमेंट थे, उनके नाम का इस्तेमाल करके उनका एक घर, पुराना घर था, उसके पते पे पासपोर्ट बनवा लिया। जी हाँ, मामले की पोल अगर खुली तो फिर आरपीओ ने पुलिस को सूचना दी। जी हाँ, पुलिस ने इस मामले में फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 409-420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी हाँ, अब फोटो जो पासपोर्ट में लगी है, भाई मान लीजिए मेरा पासपोर्ट किसी दूसरे ने बना लिया तो फोटो तो मेरी नहीं लगी ना, फोटो तो ओरिजिनल आदमी की लगी है, उस फोटो के आधार पर आदमी की तलाश की जा रही है। नए पासपोर्ट का आवेदन रिकॉर्ड में चेक किया तो बंदे को पता लगा कि भाई अपना पासपोर्ट ही बना लिया किसी ने, ऐसा कैसे हो सकता है। रीजनल पासपोर्ट के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट है उन्होंने पुलिस को पत्र लिखा था, ये बात पूरी बताई कि भाई उत्तम सिंह के नगर के रहने वाले जसवंत सिंह का नाम का जो बंदा है उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आवेदन मिलने के बाद पासपोर्ट ऑफिस का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि पासपोर्ट पहले से जारी किया जा चुका है पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा, और उस पासपोर्ट में वही सब दस्तावेज लगाए गए थे जो अब नए दस्तावेज में अटैच किए गए हैं। ये सोचने की बात है कि मेरे डॉक्यूमेंट जो मैं लेके अभी एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ऑफिस में जाता हूँ, वो उसी सेम डॉक्यूमेंट से मेरा पासपोर्ट किसी ने बना लिया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो जिसने बनाया वो मेरा जानकार रहा होगा, उसको मेरे डॉक्यूमेंट के पता होंगे। पासपोर्ट ऑफिस में भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, ये भी नोट कर लीजिए बात। तो ये मैटर बड़ा गंभीर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि जिस व्यक्ति के नाम से पासपोर्ट बनाया गया था उसने बोला कि उसने आज तक कोई आवेदन ही नहीं किया था। जी हाँ, अब पुलिस की जांच सोचने की बात है, जिस व्यक्ति ने दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट लगाए थे उसने कभी पासपोर्ट बनाया नहीं, पुलिस जांच ने ये बात क्लियर कर दी। जी हाँ, मामले की अगर शिकायत मिली तो पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा के जरिए इसकी जांच करवाई, तो पुलिस ने बस्ती शेख के उत्तम नगर के जसवंत सिंह को बुला लिया और थाने के अंदर, तब पता चला कि किसी व्यक्ति ने जसवंत सिंह जो जसवंत के जो बस्ती शेख का बंदा है मकान नंबर 394 उसके पुराने जो घर का एड्रेस है उसके नाम से पासपोर्ट अप्लाई किया था। जसवंत सिंह ने कहा कि उसने कभी किसी को अपना राशन कार्ड, दसवीं का मार्क सर्टिफिकेट वगैरह किसी को नहीं दिया गया था, किसी ने उसके दस्तावेज का इस्तेमाल करके फार्म के ऊपर फोटो लगा के दूसरे पासपोर्ट बनवा लिया। जी हाँ, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या आ जाती है, पुलिस है सवालों के घेरे में, पुलिस के ऊपर पूरी डिपेंड करेगी। जी हाँ, इस मामले में अहम बात यह भी है कि भाई जिस व्यक्ति ने मान लो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं पासपोर्ट बनाया है उसके ऊपर फोटो किसी दूसरे की लगी थी, मानते हो इस बात को कि भाई डॉक्यूमेंट चलो मेरे थे, चोरी कर लिए लगा दिया, लेकिन फोटो तो मेरी चोरी नहीं कर सकता ना, तो फिर पुलिस के सवाल के घेरे में इसलिए है क्योंकि पासपोर्ट जारी होने से पहले पुलिस आवेदक के घर के ऊपर घर पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन करती है, उसके गवाहों के दो गवाहों के साइन लिए जाते हैं। आपको सबको पता ही है पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि अगर यह पासपोर्ट बिना उचित वेरिफिकेशन के बन गया तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है, पासपोर्ट ऑफिस पर भी सवाल उठेंगे फिर तो। हालांकि पुलिस बोल रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जैसे ही कोई बात होगी हम आप लोगों के साथ में सामने रखेंगे। कहीं ना कहीं ये मिलीभगत का खेल लग सकता है, क्योंकि आपको पता है हमारे राजस्थान में तो भाई ऐसा ही होता है, पुलिस वाले आप पहले घर जाते थे, आजकल घर नहीं जाते, वो फोन कर देते हैं दो गवाहों को लेके, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके थाने में बुला लेते हैं, वो ऐसा सिस्टम है। तो हो सकता है वहां पे ऐसे कुछ किया होगा, कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है, मेरे नाम से पासपोर्ट तीसरे दूसरे बंदे ने बना लिया मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो भैया सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे अपने डॉक्यूमेंट मत दे दीजिए वरना आपको भी इसी तरह के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बस जानकारी ऐसी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।